बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है कि भारत ने इस स्टेज तक सफलता या कामयाबी हासिल कर ली हो। पिछली बार भी ये सेपरेशन बहुत साफ हुआ था, लैंडिंग के तरफ जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना था लैंडर को, वहाँ गड़बड़ हो गई थी। ऐसा सोमनाथ जी, इसरो के जो चेयरमैन है मौजूदा, उन्होंने खुद ये कहा है news18.com को। वहीं तैयारी चांद से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की है, लेकिन इससे कई ज़्यादा बड़ा सवाल है चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का सबसे बड़ा प्रश्न है। चलिए प्रियंका कांडपाल के पास चलते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। प्रियंका बताइए, आप कहाँ हैं और क्या आपके साथ कोई एक्सपर्ट है जो इस पर और रोशनी डाल सकेंगे? जी प्रियंका जी, बिल्कुल जी, इस वक्त स्पेस इंडिया में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ से अरुण यादव हैं। अरुण जी, अब थोड़ी ही देर में डिटैच होने वाला है लैंडर, कितना इम्पोर्टेंट है अगर मैं कहूँ चंद्रयान मिशन के लिए इस लैंडर का सेफली डिटैच हो जाना? देखिए मैम, चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, विक्रम लैंडर जिसको हम बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। जैसे ही ये डिटैच होगा, उसके बाद हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण एक घटना आएगी जो लैंडिंग की होती है, उसके होने से पहले इसका डिटैच होना जरूरी है। और जैसे ये सक्सेसफुली डिटैच हो जाएगा, उसके बाद हम इंतजार करेंगे 23 या 24 अगस्त का, जब ये लैंड होने वाला होगा। तो बस वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये, कैसे ये सक्सेसफुली एकदम डिटैच होता है। पिछली बार भी चंद्रयान 2 में भी ये जो ये हिस्सा था, ये तो आराम से हो गया था, तो ये चैलेंजिंग नहीं होता है? यानी कि इसके सक्सेसफुल होने की चांसेस ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा होती है। डिटैच ना हो पाए इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है लैंड होने की, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो सॉफ्ट लैंडिंग का हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी, उसके लिए भी कुछ दिन बाकी हैं, उसके लिए नजर रखेंगे। क्या क्या अलग है पिछले चंद्रयान 2 से अगर बात की जाए, क्योंकि लैंडिंग में ही पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हुई थी, तो इस बार चंद्रयान 3 की जब हम बात करें तो क्या अलग है चंद्रयान 2 से कि लैंडिंग में उसमें हेल्प हो? लैंडिंग में अगर हेल्प हो, उसमें चंद्रयान 3 का जो विक्रम जो लैंडर है, विक्रम लैंडर के जिस चीज पे वो लैंड करता है उसे हम लेग्स बोलते हैं। वो लेग्स जो है इस बार और मजबूत बनाए गए हैं थोड़े से, ताकि अगर इम्पैक्ट ज्यादा होता है तो उसको वो झेल सके और सक्सेसफुली एक सॉफ्ट लैंडिंग वो कर सके। उसके बाद फिर प्रज्ञान रोवर का काम शुरू होगा। और प्रियंका जरा इनसे पूछिए, वो क्या आइडियल स्पीड होगी जबकि लैंडिंग अटेम्प्ट करना चाहिए, और खासकर आज का जो सेपरेशन होता है वो चांद की सतह से कितने ऊपर इस सेपरेशन को अटेम्प्ट किया जाएगा, और वो जो रेडियस होगा वो कितने पास होगा धीरे धीरे? जी, एक एक अगर आप लेमैन को समझा पाए तो आज जो ये डिटैचमेंट हो रहा है, ये मून से कितना ऊपर तकरीबन होता है? ये तकरीबन डिटैचमेंट जो होता है ये 100 किलोमीटर का रेडियस एक माना जाता है। पहले तो चंद्रमा के चारों तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एक अगर आप कैमरा इस साइड थोड़ा अगर घुमाएंगे तो आपको ये दिखेगा कैसे विक्रम लैंडर जो है फाइनल एक ऑर्बिट में आता है। तो ये एक 100 किलोमीटर का रेडियस जो होता है वहां पे ये आ जाता है। उसके बाद ये ट्रेसिंग करता है, ये देखिए अब ये ट्रेसिंग करना स्टार्ट करेगा चंद्रमा की सतह का, और उस ट्रेसिंग में ये वो जगह डिसाइड करेगा कि कहाँ पे इसको लैंड करना है। अच्छा, क्योंकि कोई स्पीड होती है कि कितनी स्पीड पर लैंड करना चाहिए, कोई आइडियल स्पीड होती है? स्पीड जो है वो मानी तो यही जाती है कि कम से कम रहे। कोशिश ये यही करते हैं, एक डिजायर्ड स्पीड तक ये उस इम्पैक्ट को झेलने के काबिल होता है। जैसे पिछली बार की अगर मैं बात करूं चंद्रयान 2 की, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से ही लैंड किया था, जिसकी वजह से वो डैमेज हो गया था। तो अब की बार अगर आप टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो साइंटिस्ट इन चीजों का ध्यान रखते हैं, किस एंगल पे लैंड करना है, किस स्पीड से लैंड करना है, किस जगह पे लैंड करना है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। कहीं अनुमान लगाया जा रहा है प्रियंका कि 0.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर उसे लैंड करना होगा। क्या इस बार विक्रम लैंडर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से लैंड कर सकता है? जैसे एक डेमोन्स्ट्रेशन है ये, जैसे वो लैंड। और चीज आपसे पहले जानना चाहेंगे कि देखिए ये लैंड करने की जब हम बात कर रहे हैं, तो पिछली बार हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जब आ रहे थे तब गड़बड़ हुई थी, इसको लेकर इस बार कुछ खास प्लानिंग की गई है? बिल्कुल, पिछली बार जब हम आ रहे थे तो मेन दिक्कत जो हुई थी चंद्रयान 2 में वो सिग्नल लॉस्ट की हुई थी। सिग्नल जो है वो टूट चुका था। और जब सिग्नल टूट जाता है तो आप लैंडर की जिस एंगल पे वो लैंड करने वाला है, कहाँ वो लैंड करने वाला है, आप वो चीजें वो कंट्रोल खो देते हैं। अब की बार इसी चीजों को, इन चीजों को और ध्यान में रखा गया है, और ये एंश्योर किया गया है
कि ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में रहे, सिग्नल हमारा लॉस्ट ना हो, और जिस एंगल और जिस स्पीड पे हमने ये चीज प्लान की है उसी एंगल और उसी स्पीड पे ये सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए, तो बिल्कुल सारी चीजें। और एक बात ये भी होगी कि साउथ पोल पे क्योंकि लैंडिंग की बात हो रही है, तो क्या ये पहले से तय होता है कि जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि चांद में काफी गड्ढे जैसे जो दिखते हैं, ये पहले से डिसाइडेड होता है कि लैंडिंग किस प्रॉपर जगह में होगी, या विक्रम लैंडर जो है वो खुद ट्रेस करके अपने कोई जगह फाइनलाइज करता है कि यहाँ पर लैंडिंग होनी है? लैंडिंग की जगह पहले से डिसाइडेड होती है, क्योंकि जब तक आप किसी इतना बड़ा मिशन आप भेज रहे हैं एक दूसरे एक सेलेस्टियल बॉडी जिसको हम बोलते हैं कि एक मून पे आप एक मिशन भेज रहे हैं, हर एक चीज आपकी प्लान्ड होती है, कहाँ पे लैंड करना है ये भी प्लान्ड है, साउथ पोल पे कितने डिग्री पे, जैसे मैं आपको अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 69 point something डिग्री है साउथ जहां पे ये लैंड करने वाला है, तकरीबन 70 डिग्री पे ये लैंड करने वाला है। और जो जगह है उस जगह का नाम भी अगर मैं आपको बताऊं तो एक एटकिन बेसिन है, एटकिन बेसिन एक क्रेटर है वहां का जहां पे ये चीज डिसाइड की गई है जहां पे लैंड होगा। क्या ये एटकिन बेसिन को इसीलिए चुना गया क्योंकि सबसे ज्यादा वहां ओपन सरफेस है, सतह है, नॉट एग्जैक्ट लैंडिंग सर, डिसाइड किया गया है कि यहाँ पे लैंड करना है। जिस जगह को चूज करने की आप बात कर रहे हैं एटकिन बेसिन की, क्या उसको इसलिए चूज किया गया है क्योंकि स्पेशियस है बाकियों की कंपैरिजन में, एक एक सेफ साइड लेते हुए सरफेस एरिया आपको ज्यादा मिलेगा लैंडिंग के? और इसके पीछे मैं आपको एक रीजन और बताता हूँ, जब भी आप किसी गड्ढे में लैंड करते हैं, कोई क्रेटर जब होता है, तो आप ये मान के चलिए कि एक किसी भी जगह की, जैसे अर्थ अगर आप मानेंगे तो अर्थ में तीन लेयर्स हैं, एक सबसे ऊपरी सतह होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे एक सतह होती है जिसे हम मेंटल बोलते हैं, उसके सबसे अंदर एक सतह होती है जिसे हम कोर बोलते हैं, ऐसे ही मून में भी अलग अलग सतह होती है, क्रस्ट मेंटल कोर। तो जहां पे बहुत बड़ा गड्ढा है वहां पे जो मेंटल सतह होती है वो थोड़ी नजदीक होती है, तो अगर आप क्रस्ट के साथ साथ अगर मेंटल की भी स्टडी कर लें और शायद वहां से आपको उसका कोई ट्रेस मिल जाए, या फिर मेंटल की अलग एक और लेयर की आप स्टडी कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए उसको वहां पे लैंड कराया जा रहा है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर मुझे और कुछ तो नहीं, लेकिन एक ये मून की पिक्चर नजर आ रही है जहां पर मैं जरा आपसे समझना चाहूं कि हम जब साउथ पोल की बात कर रहे हैं तो इस तरफ कहीं पर जाएगा, इस तरफ ये पूरा 90 डिग्री आपका पड़ता है अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट माना जाए। अगर आप इसको एक एक्सिस मानते हैं तो ये आपका नॉर्थ पोल होगा, ये आपका साउथ पोल होगा, ये 90 डिग्री है, आप इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाइए लगभग 70 डिग्री पे, 70 डिग्री ये पूरा एक लैटिट्यूड बनता है 70 का। यहाँ पे अब ये पाथ ट्रेसिंग होती है जहां पे आके ये लैंड करेगा। तो क्या इस एटकिन बेसिन पे इसके अलावा और कोई चंद्रयान कभी गया है किसी और देश का? लैटिट्यूड आपका 70 के आसपास है जो साउथ में आपका लैंड। ये एक और अहम सवाल जो हमारे एंकर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो एटकिन बेसिस फाइनल किया गया है, आज तक चंद्रयान से पहले यहाँ कोई और पहुंचा है? नहीं, ये जो सतह जो पर्टिकुलर स्पॉट डिसाइड किया गया है ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आज तक कोई देश, किसी भी देश का कोई भी मिशन यहाँ पे लैंड नहीं कर पाया। अटेम्प्ट किया है किसी ने? अटेम्प्ट भी नहीं किया? अटेम्प्ट भी इंडिया ने ही किया था। अच्छा, चंद्रयान 2 का जो अटेम्प्ट था वो भी इंडिया के द्वारा था, और उससे पहले मैं आपको बताऊं तो तीन देश ऐसे हैं जैसे चाइना, रशिया और अमेरिका जो यहाँ पे ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं, साउथ पोल पे नहीं बट दूसरी लोकेशंस पे वो ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं, बट अगर साउथ पोल पे इंडिया की लैंडिंग होती है तो इट विल बी द फर्स्ट इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक। बिल्कुल हिस्टोरिक। क्या आपने बताया कि इस तरीके के कुछ मिशन होते हैं तो जाहिर तौर पर सब कुछ वेक स्टडीज के लिए नहीं जाता, सिस्टमेटिक तरीके से कुछ चीजें होती है जिसके लिए भेजा जाता है। चंद्रयान 3 की अगर बात करें, क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मिशन से, क्या कुछ स्टडीज सामने आ सकती है? बिल्कुल, जब भी आप कोई मिशन भेजते हैं कहीं पे तो आपके एम डिसाइडेड होते हैं पहले से कि हमें इन पर्टिकुलर फील्ड की स्टडी करनी है। ऐसे ही चंद्रयान 3 के लिए भी है, अलग अलग हमने आप सेंसर मान लीजिए, डिवाइसेस मान लीजिए, हमने डिवाइसेस वहां पे लैंडर में, रोवर में लगा के भेजी हैं, जिनको जब वो वहां पे जाएंगे, लैंडर जब लैंड करेगा उसकी डिवाइसेस अपना काम करेंगी, रोवर जब बाहर निकलेगा उसकी डिवाइसेस अलग काम करेंगी, और ये रिलेटेड हो सकती है कि चंद्रमा की सतह की स्टडी करना, चंद्रमा पे जो कंपन जो होती है सीस्मिक डिवाइसेस है चंद्रयान 3 में, टोटल इसमें 6 डिवाइसेस हम भेज रहे हैं, 6 में से एक जो है ऑलरेडी उसने अपना काम शुरू कर दिया है, जो मून ऑर्बिट से हम बात करें तो वो ऑर्बिटर स्टडी करने वाला है। अच्छा, एक ऑलरेडी डिवाइस जो है वो काम, ऑलरेडी डिवाइस जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसे हम बोलते हैं, जो जिस हिस्से से विक्रम लैंडर अलग हो चुका है उस हिस्से में वो डिवाइस लगी हुई है। उनसे पूछिएगा ऑलरेडी अपना काम वो कर जो पिछली बार का ऑर्बिटर है, क्या वो ऑर्बिटर अभी भी सक्रिय है, उसकी क्या भूमिका होगी पहुंचने के बाद, लैंड करने के बाद अपना काम शुरू करेंगे।
जो पिछली बार चंद्रयान 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो जो ऑर्बिटर उस वक्त था, क्या वो अभी भी सक्रिय है? उसकी क्या भूमिका होने वाली है? उस टाइम पे जो ऑर्बिटर था, इसी वजह से ये एक डिफरेंस है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में कि ऑर्बिटर ऑलरेडी वहां पे डिप्लॉय हो चुका था। हाँ। चंद्रयान 2 में से जो सिर्फ बची हुई चीजें थी वो थी लैंडर और रोवर। हाँ। जो कि हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। हाँ। तो इस बार जैसा कि आपको अगर पता हो तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की जो कॉस्टिंग है उसमें भी बहुत रिडक्शन हुआ है। वो 900 करोड़ के आसपास का मिशन था, ये कुछ 615 करोड़ के आसपास का मिशन है। तो ये इसलिए है क्योंकि हमने इसमें से ऑर्बिटर हटा दिया है, क्योंकि ऑर्बिटर ऑलरेडी अपना काम कर चुका है। वो ऑलरेडी वहां पे ऑर्बिट कर रहा था और उसने बहुत सारी हमें सुंदर जो पिक्चर्स है, वहां की फोटोग्राफ है चंद्रमा की। तो प्रियंका, इनको पूछिए कि पेलोड जो है पिछली बार से ज्यादा है, करीब 3.9 टन है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इस बार जो विक्रम रेंजर है और प्रज्ञान रोवर है पिछली बार से भारी हैं और भी ज्यादा सॉलिड बनाए गए हैं, या उसमें यंत्र ज्यादा फिट किए गए हैं? आप सुन रही हैं? बिल्कुल, जैसे पिछली बार की तुलना में अगर बात की जाए तो लोड इस बार ज्यादा है। विक्रम लैंडर की भी बात करें, रोवर की भी बात करें, तो इनका वजन ज्यादा बनाया गया। तो ये सेफ्टी पर्पज से है या इसमें कुछ और एडिशनल ऐसे डिवाइसेज हैं जो स्टडीज के लिए काम आएंगे, क्या कारण लग रहा है? एक तो इसको थोड़ा और मजबूती देने के कारण इसमें एडिशंस किए गए थे। क्या ये पिछली बार की जो लैंडिंग सॉफ्ट नहीं पाई थी उससे भी एक लेसन है? जी, उससे एक लेसन है, क्योंकि जब आप किसी चीज को स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, या तो आप मटेरियल चेंज करते हैं या फिर आप उसका वजन थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़े और स्ट्रांगनेस के लिए थोड़ी और चीजें ऐड करते हैं। तो जैसे रोवर की अगर मैं बात करूं, कुछ 26 किलो के आसपास का ही हमारा रोवर रहेगा जी। और लैंडर अलग है, उसके लेग्स को मजबूत बनाया गया है, तो इसलिए जो पेलोड है इसका थोड़ा सा वजन बढ़ा है। बट जहां हम देखें वजन बढ़ाने के साथ साथ इसरो की बहुत एक खास बात है कि एक कॉस्टिंग इतनी रिड्यूस कर देते हैं कि एक एग्जांपल भी दिया गया था कि आप एक टैक्सी में या ऑटो रिक्शा में चलने के बराबर जो है वो हम उतने में चांद पे पहुंच गए। चांद पे नहीं, एक और बात प्रियंका, आप उनको बताइए और दर्शकों को भी बताएं कि इंडियाना जोन्स जो पिक्चर आई थी 2900 करोड़ में बनी थी, जबकि चंद्रयान 3 615 करोड़ में बना है, तो आप समझ रही हैं? तो देखिए, हमारे मैंकर आनंद जो है वो बता रहे हैं कि इंडियाना जोन जो मूवी आई थी उसका बजट इतना हाई था, 2900 लगभग शायद करोड़ बता रहे हैं। हाँ, 2941 करोड़, 615 करोड़ के लगभग, और 615 करोड़। एक आप इनसे प्रश्न एक और पूछिए प्रियंका, कंपेयर कर रहे हैं तो एक हॉलीवुड मूवी से भी कम बजट में, ये जो विक्रम रेंजर है ये अपनी गति धीमी कैसे करेगा और कितनी गति तक ये इम्पैक्ट झेल सकता है, जब अगर मून के सरफेस पर एक पर्टिकुलर फोर्स से अगर वो लैंड भी करता है पिछली बार के मुकाबले, कितना वो झेल सकता है ताकि वो फिर भी टिका रहे? और अगर हॉरिजॉन्टली अगर गिरता भी है तो क्या ये अपने आप सीधा होने की क्षमता रखता है, वर्टिकल होने की, अपनी टांगों पर खड़े होने की क्षमता रखता है? जी बिल्कुल, ये सवाल जो है ये बेसिकली ये है कि जो विक्रम लैंडर की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि क्या अगर इन केस ये इसकी गति धीमी कैसे होगी गिर जाए, अगर इस तरीके के लैंडिंग, तो ये पहला सवाल तो मैं ये पूछती हूँ कि क्या खुद ये खड़ा हो सकता है, क्या उसके बाद रोवर बाहर निकल सकता है, या इट हैज टू स्टैंड स्टिल? ये इसको स्टिल स्टैंड होना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि अगर इसका संपर्क टूटा तो कमांड नहीं जा पाएगी। हाँ। रोवर के पास। हाँ। और क्योंकि रोवर से एक प्लेटफॉर्म बाहर निकलना है और उस प्लेटफॉर्म की एक जगह है। हाँ। जहां से वो रैंप है। हाँ। वो रैंप जहां से खुलेगा, जहां से निकलेगा। हाँ। तो उसके लिए उसका डिजायर्ड पोजीशन में कि हाँ। जो पोजीशन हमें चाहिए उसका, उस पोजीशन में वहां पे खड़ा होना जरूरी है। हाँ। क्योंकि अगर वो टेढ़ा हुआ या गिर गया किसी तरीके से तो रैंप तो आप मान लीजिए कि एक बार को चलो निकल आए। हाँ। बट रोवर बाहर कैसे आएगा? और हम नेगेटिव क्यों सोचें? नेगेटिव की बात इसमें यह है कि क्या इस बार उसमें फजी लॉजिक ऐसा ऐड किया गया है? स्पीड, हाँ जी, इसके टोटल आप मान के चलिए कि जब रॉकेट ऊपर जाता है एक थ्रस्ट डेवलप करता है वो ऊपर जाने के लिए, यही प्रोसेस जो है हमारा विक्रम लैंडर यूज करेगा अंदर पहुंचने के लिए, लैंड करने के लिए। ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में थ्रस्ट डेवलप करेगा। हाँ। और उसको एक ब्रेकिंग के तौर पे यूज किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या बहुत कम है मून की, आप ये मान के चलिए, तो अगर आपको ब्रेकिंग मैकेनिज्म लगाना है एयर में, अगर आप हवा में ब्रेक मारना चाहते हो। हाँ। तो उसके लिए कुछ चीज पॉसिबल नहीं है सिवाय इस चीज के कि आप विपरीत दिशा में
एक अपने इंजन ऑन कर दीजिए ताकि ब्रेकिंग हो जाए, और हम यही कोशिश करेंगे कि वो बहुत स्मूथली हो और कम से कम स्पीड में वो जाके लैंड करे, जिसे हम सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं, जो लास्ट टाइम रह गई थी, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है हमें कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी इसको, और जिस चीज के लिए हमने ये मिशन भेजा है चंद्रयान 3 ये बिल्कुल सक्सेसफुल। जरा उनसे पूछिए, क्योंकि सोमनाथ जी ने भी ये कहा था कि कम से कम एक साल इन्होंने सिर्फ इसको